वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, डिफाइन किया जाए, तो हम ये कहेंगे कि व्हेन वन s ऑर्बिटल कंबाइंड विथ three p orbitals sp2 hybridization takes place. चलिए sp2 hybridization in carbon atom, carbon atomic number 6 कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 2p2 कहने का क्या मतलब है कि 2px1 2py1 2pz0 2px1 2py1 2pz0। अच्छा ध्यान दीजिएगा 2PZ0, ये हमने कहा था पहले भी कि ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। अगर कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो s के एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के कहां भेज देगा, 2P में भेज देगा। s के एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के वो कहां भेज देगा, 2P में भेज देगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कार्बन 6 1s2 2s एक जंप कर गया तो 1 और 2p एक पा गया तो 3 1s2 2s1 2p3। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन अगर 2p3 का देखें हम तो 2px1 2py1 2pz1। ठीक है, 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब इनके पास जो सेम एनर्जी है, हम ये कह रहे हैं कि अगर s का एक ऑर्बिटल p के दो ऑर्बिटल से कंबाइन हो रहा है, पहले बार p के तीन से कंबाइन हो रहा था, अब की बार p के कितने से कंबाइन होगा, दो ऑर्बिटल से कंबाइन होगा। जब तीन से कंबाइन था तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, जब p के दो ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो व्हेन वन s ऑर्बिटल कंबाइन विद टू p ऑर्बिटल्स द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट करेंगे कि व्हेन वन s ऑर्बिटल कंबाइन विद टू p ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के केस में हम लोगों ने इसका एक्साइटेड स्टेट बना दिया, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के अगर आप एक्साइटेड स्टेट को एनर्जी लेवल डायग्राम पे बनाइएगा तो एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ ऐसा होगा, 1s 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 2p मतलब 2px1 2py और 2pz। कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या है, एक्साइटेड स्टेट के केस में तो 1s2 1s2 2s1 2s1 2p3 तो 2px1 2py1 2pz1 2px1 2py1 2pz1। जब s का एक ऑर्बिटल p के दो ऑर्बिटल से कंबाइन हो तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये दो कंबाइन हो रहे हैं तो इनको एक पास बना दिया, जो अलग है उसको अलग बना देते हैं, कर लीजिएगा। s का ये p के दो से कंबाइन हो रहा है तो ये बनाया 1s 2 2s कंबाइन हुआ था 2px से, कंबाइन हुआ था 2pz से 2s 2px 2py। ठीक, तो 2s एक इलेक्ट्रॉन, 2py एक इलेक्ट्रॉन, 2py एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो कंबाइन हो रहे हैं भैया, s का एक ऑर्बिटल p के दो से कंबाइन हो रहा है तो इसको हम नाम देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऊपर में क्या बचा, 2pz अभी कंबाइन नहीं हुआ था तो ये है 2pz। अब देखिए हमको sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के पास कितने टाइप के ऑर्बिटल मिल रहे हैं, कार्बन के पास कितने टाइप के ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो हम देखेंगे कार्बन के पास तीन टाइप के ऑर्बिटल मिल रहे हैं, टोटल तीन टाइप के ऑर्बिटल मिल रहे हैं। पहला टाइप क्या है, 1s वाला जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो वैसे ही पड़ा हुआ था, कहीं बॉन्ड वॉन्ड नहीं बना रहा था,
ठीक है, दूसरा टाइप क्या है हाइब्रिडाइज वाला, जो हाइब्रिडाइज हुआ था, और तीसरा टाइप क्या है टू पी जेड वाला, ये था तीसरा टाइप, ठीक है, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन था लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो तीन टाइप का ऑर्बिटल, कार्बन 1s जिसमें दो इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइज वाले में कितने ऑर्बिटल है, एक हो गया sp2 और तीसरा टाइप क्या था टू पी जेड। ये तीन टाइप के मिले, लेकिन हमको 1s से कोई काम नहीं है, हमारे बॉन्ड बनाने में 1s वाले का कोई रोल तो है नहीं, तो हम 1s को छोड़ देते हैं, हमको जिससे काम है उसको लेके चलते हैं। तो sp2 में कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3, तीन ऑर्बिटल। तो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, तीन ऑर्बिटल मिलेंगे, कार्बन sp2, ठीक है, और sp2। अब अगला क्या है, 2pz था ना, 2pz, तो ये है 2pz, ये भी क्या है 2pz, ठीक है। तो ध्यान देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम में हमको कार्बन के टोटल तीन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे, जिनमें है सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बाकी जो ऑर्बिटल था वो क्या था 2pz वाला था, ठीक है, जिसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी था लेकिन ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, सॉरी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें s का एक ऑर्बिटल p के दो ऑर्बिटल से कंबाइन होगा, उस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम में अगर आप देखिएगा तो कार्बन जब अपने एक्साइटेड स्टेट में आता है तो जो सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, जैसे 2s कंबाइन हो रहा है, 2px कंबाइन हो रहा है, 2px कंबाइन हो रहा है, 2py कंबाइन हो रहा है, ठीक है। अब इस केस में हमको क्या मिल रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास टोटल 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे और एक ऑर्बिटल होगा pz का, तीन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे और एक ऑर्बिटल होगा pz का, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमको जो हमारे काम का है वो दो टाइप का ऑर्बिटल मिलेगा, एक हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल मिलेगा और दूसरा मिलेगा pz का ऑर्बिटल, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन C2H4, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इथीन का फॉर्मूला C2H4। ध्यान दीजिए, कार्बन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 2p2 का क्या मतलब भाई, 2px1 2py1 2pz 0। एक एक्साइटेड स्टेट में अगर आएगा तो 2s वाला जंप करके कहां चला जाएगा, 2pz में चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर यही कार्बन आएगा, ये था ग्राउंड स्टेट, ये अगर अपने एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये कार्बन का जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहां चला जाएगा, 2pz में चला जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 1s2 2s1 2p3 2s1 2p3। 2p3 कहने का क्या मतलब है कि 2px1 2py1 2pz1, तो px1 2py1 2pz1, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल मिले हुए थे। अब हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल में क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल में क्या था कि एक कार्बन था उसके पास sp2 के तीन ऑर्बिटल थे, sp2 और एक कैसा ऑर्बिटल था pz वाला, तो ये है pz वाला, ठीक है, ये जो हम कलर कर रहे हैं वो pz है और बाकी क्या है sp2, pz sp2 sp2 sp2, ठीक
ठीक है, हमारे पास टोटल कितने कार्बन एटम है, दो, तो दूसरे कार्बन का भी यही स्ट्रक्चर होगा, तो ये है हमारा सेकेंड कार्बन एटम sp2। हम दो वाला इधर बनाते हैं, सिंगल वाला उधर रखते हैं, ठीक है, sp2, ये अपनी सुविधा के लिए हम कर रहे हैं sp2, ठीक है। दूसरा कार्बन एटम sp2, ठीक है, ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, ठीक है। अब चलिए, ये जो ओवरलैपिंग हमको मिल रही है, ये जो ओवरलैपिंग यहाँ पे हमको मिल रही है, किंग टू किंग ओवरलैपिंग, sp2 का sp2 के साथ ओवरलैपिंग, ये भी अपना क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब चलिए, pz यहाँ भी एक था, pz यहाँ भी एक था, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, चार, उनको दो में बांट लीजिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, दो हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, दो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब आइए, pz और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो डुप्लीकेट हो गया ना, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, दो दो हो गया, यहाँ भी एक, दो दो हो गया, ठीक है। अब pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले pz एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब स्ट्रक्चर जो अगला आ रहा है, देखिएगा, pz का pz के साथ अट्रैक्शन हो रहा है, और sp2 वाले में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, तो हम अगर आउटर ऑर्बिटल बनाएं इनका, तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन, ऐसे ऑर्बिटल मिलेगा आउटर वाला, ऐसा ऑर्बिटल मिलेगा आउटर में, ठीक है। दूसरे इस पे दूसरा फिर से ऑर्बिटल वैसा ही होगा, कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कार्बन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का आउटर डायग्राम बना रहे हैं ऑर्बिटल, ठीक है। अब चलिए, pz का pz के साथ अट्रैक्शन, तो ये था pz, ऐसे हम देख लीजिए pz pz, ये किस टाइप की ओवरलैपिंग है, पार्शियल ओवरलैपिंग है, तो यहाँ देखिए आउटर स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ये बन रहा है, तो हम आउटर बना रहे हैं, आउटर बनाया, ठीक है। अब यहां बना सिग्मा बॉन्ड, यहां बना पाई बॉन्ड, ठीक है, जो लैटरल ओवरलैपिंग होगी या पार्शियल ओवरलैपिंग होगी वहां बनेगा पाई बॉन्ड, और बाकी जो इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगी वहां बनेगा सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएं, तो यहां दो बॉन्ड हो गया, एक हो गया सिग्मा, एक हो गया पाई, तो यहां मिलेगा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, नाउ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये है इथीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इथीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब इथीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का क्या मतलब हमको निकल के आ रहा है, डबल बॉन्ड का मतलब हुआ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, तो इथीन में कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड आएगा और एक पाई बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड आएगा और एक पाई बॉन्ड आएगा, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम, sp हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम, sp हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। चलिए फिर से कार्बन एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फिगरेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम, sp हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फिगरेशन, 2s2 2p2,
ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट में आएगा 2s वाला जंप करके यहां चला जाएगा, तो क्या बना 1s 2 2s 1 2p हाइब्रिडाइज्ड डबल डायग्राम बनाया गया हाइब्रिडाइजेशन वाला 1s 2s 2p 2px 2py 2pz 2px 2py 2p 1s 2s 2px 2py 2pz आइए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 2p में 2p में अगर एक्साइटेड में देखिएगा तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन सीधे एक्साइटेड नंबर आ रहा है 2s में 1 इलेक्ट्रॉन 2p में 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है जब s का एक ऑर्बिटल p के एक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा s का एक ऑर्बिटल p के एक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो जो ओवरलैपिंग होगी उसको हम नाम देंगे sp हाइब्रिडाइजेशन ठीक है तो व्हेन वन s ऑर्बिटल कंबाइन विद वन p ऑर्बिटल द ओवरलैपिंग इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन व्हेन वन s ऑर्बिटल कंबाइन विद one p orbital the overlapping is called sp hybridization the overlapping is called sp hybridization अब sp hybridization में कार्बन के पास कितने टाइप के ऑर्बिटल हैं यहां भी तीन टाइप के ऑर्बिटल हैं देखिए भैया यहाँ भी हमको तीन टाइप के ऑर्बिटल मिलेंगे पहला मिलेगा 1s ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है दूसरा मिलेगा sp हाइब्रिडाइजेशन वाला ऑर्बिटल और तीसरा मिलेगा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल 2py और 2pz ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए थे ठीक है तो कार्बन 1s वाला ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन sp ऑर्बिटल 2py ऑर्बिटल 2p y orbital और 2p z orbital 2p z orbital 2p y orbital and 2p z orbital ये हमको orbital मिलेंगे ठीक है अब चूंकि 1s वाले का हमको कोई काम नहीं ये bond बनाने में participate नहीं करेगा हमको किसका किसका काम है इसका कोई काम नहीं रहा तो काम किसका है 2s का है 2px का है मतलब ये sp वाले का है दोनों में जाके क्या हो गया sp वाले का है 2PY का है और 2PZ का है तो हमारे लिए कार्बन के पास केवल दो टाइप के ऑर्बिटल दिख रहा है पहला हाइब्रिडाइजेशन वाला और दूसरा वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किए हुए हैं ठीक है कार्बन हाइब्रिडाइजेशन वाला ऑर्बिटल sp में दो ऑर्बिटल था ठीक है अब 2PY और 2PZ 2PY 2PZ 2PZ 2PY 2PZ ठीक है ये है हमारा कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या कहा कि व्हेन वन s ऑर्बिटल कंबाइंड विद वन p ऑर्बिटल द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कार्बन के पास दो टाइप के ऑर्बिटल आ रहे हैं एक वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज हो रहा है और दूसरा वो ऑर्बिटल जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो हाइब्रिडाइज नहीं हो रहे हैं जो हाइब्रिडाइज हो रहा है वो है sp sp के दो ऑर्बिटल जो सिंगल सिंगल है हाइब्रिडाइज नहीं हो रहे उनमें है sp 2py एंड 2pz